तो बड़ी बड़ी सब्जियां उगाने के लिए कैसे ये मधुमक्खी, भंवरे, चींटी या कोई भी दूसरे ऐसे इंसेक्ट हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं पॉलिनेशन में। भले ही ये छोटे छोटे से ही पतंगे दिखाई दें पर ये बहुत काम के होते हैं। दोस्तों, लौकी हो, कद्दू हो, तरोई हो, बैंगन हो, टमाटर हो या कोई भी हमारी सब्जी हो, उसको बड़ा करने में, फल से फूल बनने में इन भौंवरों तितलियों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि पॉलिनेशन यही करते हैं। यानी जो हमारे नर से मादा फूल में जो पॉलन ग्रेन्स, यही लोग अपने हाथों में या अपने पैरों में इनके चिपक जाते हैं और ये मेल से फीमेल फ्लावर में जब ले जाते हैं तब पॉलिनेशन होता है और तभी फूल से फल बनता है। तो अगर आप लोग ने खाद डाली, सीजन पे आप लोगों ने बीज बो दिए, पर अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ, इन छोटे छोटे कीट पतंगों ने सहायता नहीं करी, तो कुछ भी कर लें फल से फूल नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इनके महत्व यानी इनकी इंपॉर्टेंस जानेंगे। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भले दिखने में ये बहुत छोटे छोटे हों पर फल से फूल बनने में मैंने आप लोग को जैसा बताया कि इनका बहुत महत्व होता है। ये काला भंवरा है, हालांकि रिकॉर्डिंग करते वक्त इस पर मुझे थोड़ा खतरा तो था क्योंकि मुझे काट सकता था, पर इसका जो फ्रेग्रेंस था फ्लावर का, इसके कारण ये इतना अट्रैक्ट हो गया कि ना केवल एक, ये दिल पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और पूरे गार्डन में आप लोग कहीं भी आए जाएं या अगर आप लोग के पास भी फ्लावरिंग प्लांट्स हों तो ये लोग आते रहते हैं। अगर हम कोई भी सब्जी उगाएं, अगर हम उसके साथ फूल ना लगाएं, तो इसीलिए मैं आप लोग को कई बार कहता हूँ कि फल के साथ फूल ज़रूर लगाएं, चाहे वो कोई सा भी हो, क्योंकि जब हमारे पास फूल लगा रहेगा तभी हमारे पास पॉलिनेटर्स आएंगे। पॉलिनेटर्स वो होते हैं इंसेक्ट जो कि नर से मादा यानी मेल से फीमेल फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स यानी परागण ले जाएं और उसे पॉलिनेट कर सकें। तो इसीलिए इनका महत्व बहुत ज़रूरी होता है। ना केवल भौंरे, आप वीडियो में छोटी छोटी देख रहे होंगे मधुमक्खी जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं पॉलिनेशन के लिए, और पॉलिनेशन में ये जो आपको मधुमक्खी दिख रही हैं इनका भी सेम रोल होता है जो कि ये लोग प्ले करते हैं किसी भी गार्डनर या किसान के लिए। भले ही ये वीडियो में बहुत छोटे छोटे लग रहे हों पर इनका काम बहुत बड़ा है। इसीलिए हमारे ये खासकर जो हमारी चींटियाँ होती हैं, यहाँ तक कि ये भी बहुत कमाल की होती हैं। ये जो चींटियाँ हैं ये जाने अनजाने में ही अपने जब किसी फूल पे जाती हैं या टहनियों पे चलती हैं तो इनके हाथ और पैर में परागण चिपक जाते हैं यानी पॉलन ग्रेन्स, और तब ये मेल से यानी ये लोग तो पूरे पौधे में ही भ्रमण करते हैं, राउंड बाय राउंड पूरे पौधे की ये लोग जर्नी तय करते हैं। तो ये पूरे फूलों में या पूरे पौधे में ही ये काम करते हैं। साथ ही साथ कई बार इसके डिसएडवांटेज भी रहते हैं, जैसे कि कई बार मिली बग्स एफिड्स का जब अटैक हमारे पौधों में होता है तब कहीं ना कहीं चींटियां ही उसको बढ़ाने का भी काम करती हैं, यानी कि कई बार लार्वे या अंडे इनके साथ चिपक के पौधे के कुछ हिस्सों में चले जाते हैं और वहीं पे ये लोग मल्टीपल डिवाइड हो के पूरे पौधे में फैल जाते हैं। तो हर एक चीज़ के मेरिट्स डीमेरिट्स यानी फ़ायदे और नुकसान हैं, बस हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा। कई बार लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करते हैं, यानी कि वो लोग नेचुरली गार्डनिंग नहीं करते, DAP NPK इस तरह के कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिसके कारण पौधों में वो फ्रेग्रेंस, पौधों में वो चीज़ नहीं आ पाती जिसके कारण पॉलिनेटर्स अटैक कर सकें। तो पॉलिनेटर का अटैक अच्छा है, पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे तो सब्जियां नहीं बनेंगी। इसीलिए आप लोगों को हमेशा ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करना। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, क्योंकि मिनेश मित्तल जी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि भैया कई सारे भौंवरी तितलियाँ आती हैं और कई बार तो मुझे मधुमक्खियाँ काट लेती हैं, तो बिल्कुल ना घबराइए, ऐसे कई सारे कमेंट आते हैं। हालाँकि आप लोग जैसे 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 बड़े होते जाएंगे गार्डनिंग में, एक्सपीरियंस करते जाएंगे, ये सारी साइकिल आप लोग को समझ आती जाएगी कि कैसे कीट और पतंग का हर एक चीज का नेचर पे हक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियोस के लिए कमेंट करें, और आपका बहुत बहुत थैंक यू।